औरत के हाथ में होता है कि वो जाकर अपनी जिंदगी संवार ले या बिगाड़ ले। घर औरत का होता है, अब भी बहुत कुछ हो सकता है। क्या सोचा तुमने? कब से पूछे जा रही हो, क्या करना चाहती हो? ऐसे ही बैठी रहोगी घर आकर? आयशा, क्या सोच रहे हो? यह तो दिमाग ही नहीं काम करता। दिमाग काम नहीं कर रहा? ये अच्छी रही, दिमाग काम नहीं कर रहा तो बस यहाँ अम्मा के घर आके बैठ जाना है। घर जाकर अपने हालात नहीं ठीक करना तुमने? सब कुछ बर्बाद हो जाएगा वहां। बर्बाद? बर्बाद होने में अब रहा ही क्या है? सब कुछ तो खत्म हो जाए। देखो बेटा, मेरा बच्चा, अभी वक्त है, अभी कुछ बर्बाद नहीं हुआ। औरत के हाथ में होता है कि वो जाकर अपनी जिंदगी संवार ले या बिगाड़ ले। घर औरत का होता है, अभी बहुत कुछ हो सकता है। मेरा तो ख्याल है कि बस तुम अपने घर जाने की सोचो। वापस? किसके पास जाऊं अम्मा वापस? हबीब ने एक बार भी फोन किया, एक बार भी मेरी खबर ली। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे होने ना होने से। मैंने माना ऐसा ही है, भले उसने तुम्हारी फिक्र नहीं की मगर तुम्हें अपने घर की फिक्र करनी है। घर बचाने के लिए औरत ही को झुकना पड़ता है, चाहे गलती उसकी ना हो, मर्द कभी नहीं झुकता। क्यों अम्मा, क्यों? जुल्म भी औरत ही सही और माफी भी वही मांगे, सिर्फ इसलिए कि उसका अपना कोई घर नहीं? बात कड़वी जरूर है मगर हकीकत यही है आयशा। कभी कभी तो मुझे लगता है ऐनी बिल्कुल ठीक कर रही है, अपने हक के लिए लड़ रही है। उसको पता है उसके लिए क्या ठीक है, वो आगे बढ़ना चाहती है। मेरी तरह किचन, शौहर, घर के कामों में उलझना नहीं चाहती, खुद बनना चाहती है मेरी बच्ची। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? है अपना हाल देखो क्या हो गया है, और जो तुम्हारे साथ हुआ तुम बच्ची के साथ करना चाहती हो? रोटी सीधी हरकतों पर उसे शह दे रही है ये। नहीं अम्मा, शौहर के पांव धो धोकर पीने से मुझे क्या मिला? अब तक तो मैंने का साथ नहीं देती थी, लेकिन अब दूंगी अपनी बच्ची का साथ, बच्ची के साथ खड़ी रहूंगी। आयशा, ये तुम जो बातें कर रही हो ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। समझाओ इन्हीं को, जो होना था वो हो गया।